श्रेष्ठ आंदोलन बन गया। हमने तो समय वो विचार किया था कि एक बार ऐसी स्थिति खड़ी कर दें कि देश में चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो चाहे नेता हो, जो भी बोले, चाहे संसद में बोले चाहे बाहर बोले, चाहे चुनाव में बोले चाहे चुनाव के अलावा बोले, किसी का भी भाषण न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद के बिना पूरा नहीं हो। आज वो काम तो हो गया, तो इसका श्रेय दूर दूर को ही जाता है। आज दूर दूर केंद्र बन गया पूरे देश का। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान जेएन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है, प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने व उपज का 100% खरीद का कानून बनाए जाने की मांग किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के बीच हुआ मंथन। दूदू किसान महापंचायत के बैनर तले किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में दूदू विधानसभा क्षेत्र की किसान महापंचायत की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें किसान सत्याग्रह आंदोलन को लेकर और न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाने व उपज का 100% खरीद का कानून बनाए जाने पर चर्चा की गई। राज्य सरकार व केंद्र सरकार खरीद का 25% ही खरीददारी करती है। किसान महापंचायत ने निर्णय लिया कि सरकार के समक्ष 100% खरीद का प्रस्ताव रखा जाए। किसान महापंचायत ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव महरिया ने बताया कि जो किसान हितैषी होकर किसानों के नाम पर वोट मांगते हैं, उन सभी किसान भाई उनको तन मन से वोट देकर जिताने की कोशिश करेंगे। जनप्रतिनिधियों से यह आग्रह करते हैं कि ग्राम पंचायत व पंचायत समितियों पर 100% खरीद का प्रस्ताव व न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी कानून व पंचायत स्तर पर खरीद केंद्र खुले रहें, ताकि किसानों को अपनी उपज का पूरा पूरा लाभ मिल सके। जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, जनता का सेवक होता है। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के साथ किसानों के हित में 2 घंटे तक मंथन किया। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत, कृषि आयुक्त ओम प्रकाश आदि अधिकारी मौजूद रहे। देश का आंदोलन बन गया। हमने तो समय वो विचार किया था कि एक बार ऐसी स्थिति खड़ी कर दें कि देश में चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो चाहे नेता हो, जो भी बोले, चाहे संसद में बोले चाहे बाहर बोले, चाहे चुनाव में बोले चाहे चुनाव के अलावा बोले, किसी का भी भाषण न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद के बिना पूरा नहीं हो। आज वो काम तो हो गया, तो इसका श्रेय दूर दूर को ही जाता है। आज दूर दूर केंद्र बन गया पूरे देश का। ये सारा जो आंदोलन है, जो दूर दूर से शुरू हुआ वही आंदोलन चल रहा है। और अभी भी इसमें जो ये पुस्तक लिखी है सत्याग्रह, ये सत्याग्रह बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट है, ऐसी अवधारणा है जहाँ किसी से गाली गलौच नहीं, आरोप प्रत्यारोप नहीं, मुर्दाबाद या कब्र खुदेगी कीड़े पड़ेंगे ये नारे नहीं, सर्वे भवंतु सुखने की भावना उसको रखते हुए अपनी बात को आग्रह पूर्वक कहना, इसको कहते हैं सत्याग्रह। बिना दूसरे को कष्ट पहुंचाए आंदोलन करना, इसको कहते हैं सत्याग्रह। ये सत्याग्रह का निर्णय भी दूदू से शुरू हुआ और 13-14 मार्च 2 दिन की कार्यशाला रही बड़के बालाजी। उस बड़के बालाजी में 75 लोग थे सेलेक्टेड, उन सब ने तय किया कि हम सब दिल्ली में सत्याग्रह करने चलेंगे।
उस प्रस्ताव को इसमें लिखा है, आप भी पढ़ोगे तो लगेगा कि नई चीज है। तो ये सत्याग्रह जो है ये दिल्ली में भी चल रहा है। 5 जुलाई से लगातार प्रतिदिन, जैसा भी रामगोपाल जी ने बताया, प्रतिदिन गिरफ्तारी, प्रतिदिन चेकिंग, जहाँ से शुरू होते हैं पूरी की पूरी पुलिस वो सन्नद्ध रहती है, तैयार रहती है, किसान आगे चर्चा ही रहती है। और अपने बारे में राजस्थान के और यूपी के, हरियाणा और दिल्ली के जो अपने टीम में साथ है उनके बारे में कोई कुछ नहीं इसलिए कह सकता, सब मूलतः किसान। तो जो किसान है उनको सब ये कहते हैं किसान आगे, ये एक अच्छी बात है। इस कारण से हमारी ताकत बढ़ी है। और अभी 4-5 दिन पहले वहाँ की जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच है जिसको CID ब्रांच कहते हैं, उन्होंने ये कहा वहाँ का ऑफिसर ने कि आपको बहुत जल्दी एक समाचार देंगे, आपकी बात प्रधानमंत्री तक पहुँची है, बहुत अच्छे ढंग से पहुँची है। और ये भी वहाँ आया है कि भाई आपकी जो संगठन की ताकत है वो बहुत बड़ी है, इस कारण से वो संगठन नहीं आवे उसके पहले किसानों की बात मान ली जाए तो अच्छा है। जहाँ तक अनुमति की बात, जंतर मंतर और सत्याग्रह की, यहाँ से चले तो हम थे 28 नवंबर 2020 लेकिन हम जो पहुँचे वहाँ वो पहुँचे 5 जुलाई को, यानी पूरे 219 दिन लगे 260 किलोमीटर चलने में। जयपुर से दिल्ली की दूरी है 260 किलोमीटर, यहाँ से 300 मान लो, 350 मान लो, तो 350 किलोमीटर पर 219 दिन में पहुँचे। लेकिन पहुँच कर रहे, चाहे पहले शाहजहाँपुर डेरा डालना पड़ा हो, चाहे बुराड़ी मैदान पहुँचे हो, लेकिन अपना टारगेट था जंतर मंतर पहुँचने का। हम सब जंतर मंतर पहुँचे और प्रतिदिन अब वहीं सत्याग्रह, वहीं गिरफ्तारी, वहीं दिन भर पुलिस की कस्टडी में रहना, निरुद्ध रहना, और शाम को 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक वो छोड़ते हैं अपना हाथ, तब जाना, दूसरे दिन में ही काम शुरू करना। और अपन ने उच्चतम न्यायालय में भी इसकी परमिशन के लिए लगा दी, प्रशासन वाड़ों में शुरू में अपन को ये कहा कि आप ऐसा करो इसमें अनिश्चितकालीन शब्द हटा दो, हम आपको परमिशन दे देते हैं। हमका हम तो बैठेंगे अनिश्चितकालीन, तो हम तो सत्य से हटकर दूसरी बात कहेंगे नहीं। इसलिए हमारा कहना तो यह है कि भाई जब हम अनिश्चितकालीन के लिए बैठेंगे तो शब्द अनिश्चितकालीन ही लिखेंगे। उनका नहीं साहब, हमारा प्रावधान नहीं है अनिश्चितकालीन अनुमति देने का, वो भी उनके कारण से उनको बता दिया कि आपका प्रावधान है, आप दे सकते हैं, और उन्होंने माना कि है भी नहीं, अलग बात। तो अनिश्चितकालीन का निश्चित काल लिख दो, हम आपको परमिशन दे देंगे। अपन ने वो लिखा नहीं, उन्होंने परमिशन दी नहीं, और अपना ये हट है कि हम अनिश्चित काल के लिए परमिशन लेंगे, अनिश्चित काल के लिए बैठेंगे। अनिश्चित काल में 2 दिन भी हो जाएं और 20 दिन भी हो जाएं और 200 दिन भी हो जाएं, कुछ नहीं कह सकते।